पेट में बार बार गैस बनती है, बार बार गैस खुलती है, पेट में हमेशा गुड़गुड़ाहट रहती है, पेट साफ नहीं होता तो सिर्फ एक बार खा लेना और ये सारी परेशानी भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि अगर हमारा पेट खराब रहता है तो हमारा मन भी अच्छा नहीं रहता है। सारा दिन हमारा पूरा ध्यान हमारे खराब पेट पर ही लगा रहता है, बराबर पेट में गैस बनती रहती है, खूब डकारें आती हैं, सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है, खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है, हर बात पर चिड़चिड़ाहट होती है और इन्हीं सब परेशानियों से हमारा सारा दिन खराब चला जाता है। दोस्तों इन्हीं सब परेशानियों से मैं आज आपको सिर्फ एक ही दिन में छुटकारा दिलाऊंगा। पेट में बार बार गैस बनने और बार बार गैस खुलने की परेशानी तो सिर्फ एक बार के प्रयोग से ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये नुस्खा जानते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा जीरा। दोस्तों यहाँ पे जीरा मैंने लगभग 25 ग्राम लिया है, आप इसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज चाहिए होगी वो है अजवाइन। दोस्तों यहाँ पे अजवाइन भी मैंने 25 ग्राम ली हुई है। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको इसमें प्रयोग करनी है वो है हींग। जी दोस्तों, हींग का प्रयोग आपको करना है लगभग आधा चम्मच। चलिए फटाफट अब ये भी जान लीजिए कि इस नुस्खे को आपको तैयार कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप अजवाइन को तवे पर हल्की आंच पर भून लीजिए। अच्छी तरीके से जब आप अजवाइन को भून लेंगे तो इसके तुरंत ही बाद आप जीरे को भी भून लीजिएगा। जीरे को भी आप अच्छी तरीके से भूनिए। इसके बाद आपको इन दोनों को मिक्सी में बारीक पीस लेना है। अच्छी तरीके से इसे आप मिक्सी में बारीक पीसिए और इसका चूर्ण तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका चूर्ण तैयार करके रख लिया है। अच्छी तरीके से ये बारीक पिसा हुआ है। तो अब मैं इसमें मिलाऊंगा आधा चम्मच हींग। जी हाँ, आधा चम्मच हींग भी इसमें हम मिला देंगे और ये पूरी तरीके से नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग आपको करना कैसे है, इन सारी समस्याओं से सिर्फ एक दिन में छुटकारा पाने के लिए चलिए ये जानते हैं। दोस्तों सुबह का नाश्ता करने के बाद आपको एक चम्मच इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ खा लेना है। ऐसा ही आपको दोपहर का खाना खाने के बाद करना है और रात का खाना खाने के बाद भी आपको बिल्कुल यही काम करना है। इससे आप देखेंगे कि आपको एक ही दिन में बार बार पेट में गैस बनने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पेट में गुड़गुड़ाहट रहती है, भूख नहीं लगती, ये सारी समस्याएं बिल्कुल से समाप्त हो जाएंगी। इस नुस्खे का प्रयोग आप बिना किसी साइड इफेक्ट के लगातार कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। अगर आपके पेट में बार बार गैस बनती है, डकारें आती हैं, पेट हमेशा खराब रहता है, गुड़गुड़ाहट पेट में रहती है, तो इस नुस्खे का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और नए नए घरेलू नुस्खे जानने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।